हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आलोक सिंह। तो आज के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और शानदार 31 बिहार करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा एग्ज़ाम यानी 65वीं BPSC बहुत ही करीब है। तो आई होप आप सब ने फॉर्म फिलअप बढ़िया से कर लिया होगा, और किसी भी एग्ज़ाम के पहले 3 महीने का जो करेंट अफेयर्स होता है वो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता चलूं आपको कि 2019 के जो जुलाई महीने से जितने भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सारे मैंने इस वीडियो में लाए हैं, और वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस बिहारी डॉक्टर के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? तो वो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में, ठीक है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को BC रॉय भी कहते हैं। एक्चुअली में जुलाई के 1 तारीख को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को डॉक्टर BC रॉय का जन्मदिन था, यानी बर्थडे था। अब BC रॉय के बर्थडे के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1982 को पटना के बांकीपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर BC रॉय को डॉक्टर ऑफ साइंस का उपाधि भी मिल चुका है, और इन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो हमारा भारत रत्न है उनसे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, और बाकी का आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो जो मैंने कटआउट आपको दे दिया है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड, पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे डॉक्टर श्रीनिवास ने। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया गया है, तो डॉक्टर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो करेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डॉक्टर श्रीनिवास की बात करें तो डॉक्टर श्रीनिवास देश के पहले हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1940 के दशक में इन्होंने अमेरिका को छोड़कर भारत सिर्फ इसलिए आ गए थे क्योंकि इन्हें भारत के गरीब मरीजों का इलाज करना था। 2 नवंबर 2010 को इनका निधन हो गया है। भारत में सबसे पहले जो ECG लाने वाले हैं वो हैं डॉक्टर श्रीनिवास। ये अमेरिका से लाए थे ECG सबसे पहले। अब आइए नंबर 3, यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंट 2020 में कौन सी हस्तकला भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वो नालंदा की 52 बुटी साड़ी, ठीक है। तो ये बिहार से, ये है नालंदा, बिहार का जो जिला नालंदा है वहाँ की 52 बुटी साड़ी बहुत ही फेमस है। तो ये यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंट 2020 में अपना प्रतिनिधित्व करने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात क्या है कि अगले साल वर्ल्ड लेवल पे होने वाली इस कंपटीशन के लिए सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, कौन? सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भारत की तरफ से नालंदा की 52 बुट्टी साड़ी को चुना है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ कि 2019 में ही सुजनी को यूनेस्को सील अवार्ड मिल चुका है, और ये 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो नालंदा की 52 बुट्टी साड़ी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें तो पटना के महावीर मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद अब किस नाम से बिक रहा है? तो वो अर्पितम के नाम से, और ये 4 जुलाई से शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, मार्च 2020 तक बिहार में कितनी योजनाओं से 69,606 हेक्टेयर में सिंचाई में सुविधा मिलने वाली है? तो कितनी योजनाओं से मिलने वाली है? तो वो 202 योजनाएं बनाकर वो इतने हेक्टेयर यानी 69,606 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अब क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल और ड्रिंकिंग वाटर का घटने का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको देखते हुए ही ये 202 योजनाएं लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस कंपनी ने राइस व्हीट सीडर मशीन तैयार की है? तो वो कंपनी है बिहार माँ दुर्गा एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है। नाम क्या है? बिहार माँ दुर्गा एग्रो इंडस्ट्री। और ये कंपनी है कहाँ की? तो ये समस्तीपुर की कंपनी है, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज के टेक्नोलॉजी सपोर्ट से इसे बनाया गया है, ये जो राइस वीटर सीडर है। एक्चुअली एक बार इस मशीन को फुल चार्ज करने के बाद ना ऑलमोस्ट 5 घंटे में 1.5 एकड़ धान या गेहूँ की बुआई हो कर की जा सकती है इस मशीन से, ठीक है।
नंबर 7 देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति संप्रदा सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, संप्रदा सिंह का निधन हो गया है। वो किस कंपनी के मालिक थे? तो वो एलकेम लेबोरेटरीज के मालिक थे। ठीक है, कंपनी का क्या नाम हुआ? तो एलकेम लेबोरेटरीज, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एलकेम लेबोरेटरीज। ठीक है, और संप्रदा सिंह का जन्म 25 अगस्त 1926 को जहानाबाद जिले के ओकरी गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नंबर 8 देखिए, मेरा अभिमान सक्षम ग्राम प्रोजेक्ट के तहत बिहार के कितने गांवों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाना है? तो वो 76 गांवों को ये बनाना है। किस अभियान के तहत? मेरा अभिमान सक्षम ग्राम प्रोजेक्ट के तहत। डाक विभाग ने मेरा अभिमान सक्षम ग्राम की शुरुआत किया है। इसके तहत पूरे देश के 1300 गांवों को डिजिटली लेन देन में सक्षम बनाना है, जिससे 76 बिहार के गांव हैं। पूरे देश में कितने हैं? 1300, और जिसमें 76 बिहार से आते हैं। बेसिकली IPPB बैंक अकाउंट से प्रत्येक घर के मेंबर्स को जोड़ना है और उन्हें ऑनलाइन लेन देन की जानकारी देनी है, उन्हें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, PM उज्ज्वला योजना बिहार के कितने परिवारों को अब तक फ्री गैस कनेक्शन दिया जा चुका है? तो वहाँ पे गांव नहीं होगा, वो गांव के जगह पे परिवार होगा। ठीक है, तो कितने परिवारों को दिया जा चुका है? तो 78,84,000 परिवारों को अब तक गैस कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा चुका है। अब आपको तो मालूम ही होगा कि 5 महीने से उज्ज्वला योजना बंद थी, क्योंकि आचार संहिता लागू था, चुनाव था, इलेक्शन था, पर ये अब ये फिर से शुरू हो गया है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये दे देता हूँ मैं। इंडियन ऑयल ने कितने लाख परिवारों को दिया? तो 32 लाख, लगभग 32 से 33 लाख लोगों को इंडियन ऑयल ने ये फ्री कनेक्शन प्रोवाइड किया। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लगभग 25 लाख किया। फिर भारत पेट्रोलियम देखिए, लगभग 21 लाख परिवारों को ये कनेक्शन दे चुका है। नंबर 10 देखिए, स्वदेश दर्शन योजना के रामायण थीम के लिए बिहार के कितने ज़िलों का चयन किया गया है? तो वो 3 जिलों को चयन किया गया है। किस योजना के तहत? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत। और वो 3 जिला है कौन? तो वह है सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। एक्चुअली स्वदेश दर्शन योजना के लिए देश के 15 स्थानों का चयन किया गया है। कितने स्थान? 15 स्थान का चयन किया गया है, और ये 15 स्थान सिर्फ 9 राज्यों से ही चुना गया है, जिसमें बिहार भी शामिल है। ठीक है, तो आपको ये जो 9 राज्य हैं जहाँ के स्थान 15 स्थान चुने गए हैं, उन 9 राज्य का मैंने लिस्ट स्क्रीन पे ही आपको दिया है, आप इसको देख सकते हो। इसमें राज्य दिए हुए हैं और उस राज्य के कौन से स्थान को चुना गया है इस योजना के तहत, स्वदेश दर्शन योजना के तहत, वो सब दिया गया है। तो आप ये सारा कुछ आप देख लो। नंबर 11, पहले चरण में बिहार के कितने किसानों को खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो वो 10,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही फर्स्ट फेज में। क्या ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग उन्हें खेती करने का वो टेक्निक भी जानना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पहले चरण में 10,000 किसानों को दी जाएगी। ठीक है, पहले चरण में 8 जिलों के 100 गाँव में शुरुआत की जाएगी, और ये चुने गए जो गांव होंगे ना, उन्हें क्लाइमेट स्मार्ट गांव कहा जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट गांव के नाम से इन्हें जाना जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग के ताज़ा डेटा के मुताबिक वर्तमान में बिहार में जन्म दर क्या है? तो इस डेटा के मुताबिक है 3.3 जन्म दर, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि नेशनल लेवल पर क्या है, मतलब राष्ट्रीय लेवल भारत में ये क्या है, तो 2.3, ध्यान रखिए, सिर्फ 2.3 है, और लेकिन बिहार में ये जन्म दर 3.3 है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस जिले का बंबूसा बालकुआ बांस पटना जू में लगाया गया है? तो वो भागलपुर जिले का है, जो भागलपुर जिले के लिए में ये फेमस है बंबूसा बालकुआ बांस। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि गैंडों को एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए उसके प्रजनन और उसके संरक्षण के लिए, तो वैसा एक माहौल क्रिएट किया जाएगा जू में, चिड़ियाघर में, तो उसके लिए ही बंबूसा बालकुआ बांस को मंगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि
बम्बूसा बालकोवा बांस कहाँ का फेमस है? तो वो भागलपुर का है। नंबर 14th देखिए, 17 जुलाई से चलने वाली श्रावणी मेले का उद्घाटन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो एक बात इसमें कि श्रावणी मेले शुरुआत कब हुई, तो 17 जुलाई को, और ये किस स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया, तो सुल्तानगंज में। और किसने इसका उद्घाटन किया, तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है। और झारखंड में, जो बिहार झारखंड के बॉर्डर पर दुम्मा जगह है, वहाँ पे किसने किया है, तो वो जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, रघुवर दास ने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो बाबा बैद्यनाथ ऐप है। उस ऐप का नाम है बाबा बैद्यनाथ, ये श्रद्धालुओं के लिए लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये ऐप कांवरियों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें सुल्तानगंज से बाबा धाम तक कांवरियाँ पैदल रास्ता की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 66वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2019 में बिहार कैवे स्थान पर रहा? तो बिहार एक्चुअली में तीसरे स्थान पर रहा, थर्ड पे रहा, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन रहा, तो इंडियन रेलवे फर्स्ट पे रहा, और सेकंड पे हरियाणा रहा। फॉर योर नॉलेज, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये चैंपियनशिप पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कैंपस के इंडोर हॉल में संपन्न हुआ था, वहीं पे प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन बिहार के ग्रामीण इलाकों में सुधा दूध के रिटेल आउटलेट खोलने वाला है? तो दूध के लिए बात आए तो कॉम्फेड समझिए, क्योंकि बिहार की एक सरकारी कंपनी है कॉम्फेड। कॉम्फेड की फुल फॉर्म हो जाती है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। क्या है? बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो कि 1983 में इसका स्थापना किया गया था, कॉम्फेड का, ठीक है। नंबर 18, अब देखिए नंबर 18, 19, 20 ये जो तीन क्वेश्चन आएंगे, ये तीन पुरस्कार से संबंधित है। और ये तीनों पुरस्कार को किसने प्रदान करा है? तो वो प्रदान करा है संगीत नाटक अकेडमी ने। तो संगीत नाटक अकेडमी का ये तीनों पुरस्कार है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2018 निर्देशन श्रेणी में, यानी कि डायरेक्शन कैटेगरी में किसे मिला है? तो वो संजय उपाध्याय को मिला है। ये बिहार के एक वरिष्ठ नाट्य निर्देशक हैं। और अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1920 में ये जो पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार भी किसने प्रदान किए हैं? तो वो संगीत नाटक अकेडमी ने प्रदान किए हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2018 ये किसने प्रदान किए? तो संगीत नाटक अकेडमी ने। और ये लोक नायक श्रेणी में किसे दिया गया, यानी लोक नायक कैटेगरी में किसे दिया गया? तो वो चंदन तिवारी को, ठीक है। किसे दिया गया? चंदन तिवारी को। और चंदन तिवारी आरा की रहने वाली हैं, चंदन तिवारी फीमेल हैं, ठीक है। नंबर 20 देखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2018 एक्टिंग कैटेगरी में, एक्टिंग श्रेणी में किसे दिया गया? तो वो प्रीति झा तिवारी को दिया गया है। प्रीति झा तिवारी सीतामढ़ी की रहने वाली हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2018 दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लोक गायन श्रेणी में चंदन तिवारी को दिया गया, और एक्टिंग श्रेणी में प्रीति झा को दिया गया। और फिर एक और पहले मैंने बताया कि जिसका नाम ही सीधा है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2018, तो वो निर्देशन श्रेणी में किसे दिया गया? तो वो संजय उपाध्याय को दिया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को हर महीने कितने रुपये पारितोषिक देने जाने हैं? तो ये 1,000 रुपये पारितोषिक देने जाने हैं। तो आगे कुछ जानकारी इसके बारे में लेने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आशा कोई नाम नहीं है, ये एक एक्रोनिम है। तो आशा का फुल फॉर्म हो जाता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ए फॉर एक्रेडिटेड, और एस फॉर सोशल, एच फॉर हेल्थ, और ए फॉर एक्टिविस्ट, ये ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि 1,000 रुपये इन्हें पारितोषिक देने का फैसला लिया। तो बिहार में टोटल 94,000 आशा है, ये ध्यान रखिए कितने, 94,000 आशा है, और 4,500 आशा फैसिलिटेटर है। तो इट मीन्स कि साल का 118 करोड़ रुपए की बोझ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है।
नंबर 22 देखिए, किस राज्य के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जानी है? तो वो बिहार, हमारा राज्य बिहार के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जानी है। और कितने बच्चों को? तो 1,64,00,000 बच्चों को ये पिलाई जानी है। अब उनका एज लिमिट भी है, एज लिमिट है कि 9 माह से 5 साल तक के बच्चे होने चाहिए, उनको ये पिलाई जाएगी। अब बेसिकली अब ये पिलाई क्यों जा रही है, क्या बात है? एक्चुअली क्या है कि बेसिकली डायरिया, निमोनिया एवं बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि लाने का ये उद्देश्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार की महिलाओं की टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर कितना है? तो वो 3.41 है। तो ये डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली आइडियल यानी आदर्श फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, प्रजनन दर कितना होना चाहिए? तो वो 2.1 होना चाहिए। पर बिहार पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन पर है जिसका फर्टिलिटी रेट इतना है, जबकि पूरे देश की महिलाओं का पता है कितना है, सिर्फ 2.2 है फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर। अब आपको टॉप 3 राज्य का मैं बता देता हूँ, वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए टॉप 3 में 3.41 फर्टिलिटी रेट के साथ बिहार फर्स्ट पोजीशन पे है, और 2.74 के साथ यूपी उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है, और 2.55 के साथ झारखंड थर्ड पे है, और दिल्ली सबसे लास्ट पोजीशन पे है। मात्र 1.5 वहाँ की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर है। और ये सारा डेटा मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जुटाए सैंपल रजिस्ट्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाल ही में दानापुर रेल मंडल प्रशासन की ओर से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो वो है हम सफ़र। हम सफ़र को लॉन्च किया गया है, यात्रियों को सुविधा से संबंधित जानकारी दिया जाएगा इस ऐप पर। और ये दानापुर रेल मंडल जो है ना, पूर्व मध्य रेल के जोन में आता है। कौन सा? पूर्व मध्य रेल जोन में आता है, पूर्व मध्य रेल दानापुर रेल मंडल ही इसको कहा जाता है। तो चलिए इससे आप एक क्वेश्चन बताइए कि अभी तक हमारे देश में टोटल कितने रेलवे जोन हैं, ठीक है? और ये भी बताइएगा कि हाल ही फ़िलहाल में नया जो रेलवे जोन बना है उसका नाम क्या है और उसका हेड क्वार्टर क्या है, कहाँ है, ठीक है? तो गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू, वॉक थ्रू और DVR 360 के जरिए यात्री 360 डिग्री एंगल पर स्टेशन को देख जानकारी लेंगे इस ऐप से, हम सफ़र ऐप से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाल ही में लालजी टंडन ने एक गज़ल संग्रह की पुस्तक का विमोचन किया है, उसका नाम क्या है? तो उस गज़ल संग्रह पुस्तक का नाम है ना रोको परिंदों को, ठीक है? ना रोको परिंदों को इसका नाम है। और इसके राइटर कौन है ना रोको परिंदों को? तो वो हैं दिनेश कुमार शर्मा। नंबर 26 देखिए, फागू चौहान, आपको मालूम है फागू चौहान अब हमारे बिहार के करंट में गवर्नर बन गए हैं। तो फागू चौहान बिहार के कैवे नंबर के गवर्नर हैं, कैवे गवर्नर हैं। तो ये है 40वें गवर्नर, मतलब अब तक 39 गवर्नर बन चुके हैं और जिसमें ये 40वें हैं फागू चौहान। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और ये फागू चौहान की बात करें तो ये मेनली यूपी के आजमगढ़ के शेखपुरा गांव के रहने वाले हैं और ये 6 बार विधायक रह चुके हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1948 को हुआ था। अब क्या है कि ये जो फागू चौहान का चेंज किया, इनको बनाया गया है गवर्नर इस वक्त, और भी कुछ राज्यों को, 5 राज्य और हैं जिनका साथ में ही चेंज किया गया है या फिर नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो उन चारों पांचों का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप ज़रूर देख लो। जैसे देखो एमपी का है, एमपी का अब हो गए लालजी टंडन, बिहार से अभी चले गए, एमपी के ये गवर्नर हो गए। और फिर वेस्ट बंगाल का देख लो, जगजीत धनकर हैं। फिर त्रिपुरा का रमेश बैस, और नागालैंड का आर.एन. रवि, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर बन गए हैं अब आनंदीबेन पटेल। नंबर 27 देखिए, बिहार सरकार राजकर्मियों के पेंशन में कितने परसेंट की अंशदान करेगी? तो अंशदान कितने परसेंट करेगी? अब 14%, अब 14% करेगी। एक्चुअली में कर्मियों के मेन इनकम से 10% कट करके उसके पेंशन मद में जमा होता था, और राज्य सरकार 10% अलग से उसमें जमा करती थी, मतलब ऐड करती थी उसमें। पर अब 14% जमा करेगी राज्य सरकार, ठीक है? इसमें सरकारी खजाने से पता है कितना का लोड पड़ेगा? 188 करोड़ रुपए ये सरकारी खजाने पे लोड पड़ने वाला है, लगभग 188 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 22 जुलाई 2019 को बिहार के किस जिले में उल्का पिंड गिरा है? तो वो मधुबनी में गिरा है उल्का पिंड, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली मैं मधुबनी के महादेव गांव के, गांव का नाम याद रखिए, महादेव गांव के एक खेत में गिरा था। इसका वज़न लगभग 13 kg बताया जा रहा है, और ये जिस खेत में गिरा था उसमें 3 फुट गड्ढा कर दिया था, और ये जो पत्थर गिरा था ये उल्का पिंड एक पत्थर की तरह है, जो कि थोड़ी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, और ये अभी बिहार म्यूज़ियम में रखा गया है। और आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी 3 उल्का पिंड पटना म्यूज़ियम में रखा जा चुका है। 1950 ईस्वी में मधेपुरा में एक गिरा था, उसको भी रखा हुआ है, और 2 गिरा था 1964 ईस्वी में, जो कि मुजफ्फरपुर में गिरा था, वो भी पटना म्यूज़ियम में रखा गया है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो बिहार म्यूज़ियम और पटना म्यूज़ियम में, तो मैं बता दूं कि बिहार म्यूज़ियम वो है जो अभी नया नया बेली रोड में बना है, जो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है, बहुत ही शानदार बनाया गया बिहार म्यूज़ियम। अगर आपने अभी तक उसमें घूमा नहीं है तो आप ज़रूर घूमो। और पटना म्यूज़ियम हमारा वही पुराना वाला म्यूज़ियम है, ठीक है, जो बहुत पहले से सब लोग घूम चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शिलान्यास कब होने वाला है? तो वो 5 अक्टूबर 2019 को, इसी साल 5 अक्टूबर को होने वाला है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का। और आपको मालूम होगा कि देश का जो पहला डॉल्फिन सेंटर है वो यही पटना में स्थापित होने वाला है। अब इसके शिलान्यास का भी डेट अनाउंस कर दिया गया है। एक्चुअली 5 अक्टूबर को ना वर्ल्ड डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ठीक है, विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, तो उसी के उपलक्ष्य में इसका शिलान्यास किया जाएगा। कहाँ पे? तो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी, और 1 एकड़ एरिया में ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन चंद्रयान 2 के टीम में बिहार का कौन वैज्ञानिक शामिल है? तो मिशन चंद्रयान 2 के टीम में कौन शामिल है? तो वो सोनू सिंह। तो अब आपको तो बिल्कुल ही मालूम होगा कि चंद्रयान 2 इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, और 48 दिनों में ही ये मून के यानी चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच जाएगा। तो सोनू सिंह की बात करें तो ये बिहार के लखीसराय ज़िले के बढ़िया गांव के रहने वाले हैं। कहाँ? लखीसराय ज़िले के बढ़िया गांव के ये रहने वाले हैं, और ये इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं, और चंद्रयान 2 मिशन जो हुआ इसमें भी ये शामिल हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस मिशन में जो ये चंद्रयान 2 का जो मिशन था, इस मिशन में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट महिला इसमें शामिल हैं, वीमेन शामिल हैं, वह हैं वनीता मुथैया। वनीता मुथैया प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस मिशन का, और रितु करिधाल हैं वो मिशन डायरेक्टर हैं इस मिशन के। तो ये 2 महिलाओं का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चुनाव सीमा दोगुना करने के बाद सबसे पहले किन 3 नगर पंचायतों को फ़ायदा पहुंचेगा? तो वो 3 नगर पंचायत हैं, खुसरूपुर नगर पंचायत, डुमरा नगर पंचायत, जनकपुर रोड नगर पंचायत। तो खुसरूपुर नगर पंचायत कहाँ है? तो वो पटना में है। डुमरा नगर पंचायत कहाँ है? सीतामढ़ी में है। जनकपुर रोड नगर पंचायत कहाँ है? तो वो सीतामढ़ी में है। तो यह ध्यान रखिए। मैं आपको बता दूं कि बिहार नगर निगम निर्वाचन नियमावली 2019 को संशोधित किया गया है, और उसके बाद ये जो चुनाव में जो पैसे खर्च होते थे उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। आप यहाँ पे ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहले कितना लिमिट था चुनाव में खर्च करने के, किस चुनाव में कितने लिमिट खर्च कर सकते थे, कितने पैसे आप खर्च कर सकते थे, अब कितना खर्च कर सकते हो, इसके सारे डिटेल इसके आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप देख लेना। तो ये था हमारा बेस्ट 31 करेंट अफेयर्स, जो कि बिहार स्पेशल था। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, जय हिंद।